तो जस्ट अ मिनट, ऐसा सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर हम स्टार्ट लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई एक चैप्टर, इंट्रोडक्टरी चैप्टर हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जस्ट एक मिनट होल्ड करें। जी, चैप्टर शेयर हो रहा है आप लोगों को? हेलो, चैप्टर शेयर हो रहा है? जी सर, हो रहा है शेयर। अच्छा देखिए, पहले तो मैं अपना एक शॉर्टली इंट्रोड्यूस करता हूँ। माय नेम इज़ जुल्फ़िकार जाफ़र, राइट? एंड मैं फेलो मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का, और इसके अलावा पिफा का भी मेम्बर हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट सेक्रेटरीज का। ठीक है, तो मैं फॉर द लास्ट 15 ईयर्स से मैं टीच कर रहा हूँ अकाउंटिंग के ऑल सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के, राइट? तो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स से मैं यहाँ पिफा में भी पढ़ा रहा हूँ, आईसीएम में भी पढ़ाता हूँ, और बहरिया यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी में भी, राइट? समटाइम कुछ अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी टीच करता रहता हूँ। तो अब ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अकाउंट, बेसिक अकाउंटिंग के सिलसिले में। ठीक है, इन्होंने अभी बताया मुझे, तो हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर के बारे में देते हैं कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, राइट? थोड़ा सा आपको आज की क्लास में, राइट? तो देखिए, ये चैप्टर 1 जो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह वो आपको सेंड भी कर दूंगा चैप्टर, ठीक है? इसकी वर्ड कॉपी मैं हमेशा सेंड कर दिया करूँगा, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर 1 है। हम आपको बेसिक अकाउंटिंग है तो हम आपको एक डेफिनेशन पहले देते हैं कि अकाउंटिंग के मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है? देखिए, अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स एंड पार्टीज, ठीक है? यूजर्स कौन है, जो पार्टीज हैं। देखिए, बिजनेस एक्टिविटीज कंपनी की क्या है, मतलब सेल, परचेज, राइट, एक्सपेंसेस इनकरिंग, ठीक है, सब चीज़ें बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, आपको बताया है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, पहले इसको हम देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाई आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ठीक है, इसको मेजर करना, और रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड देन द फोर्थ स्टेप, ठीक है, कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स, ठीक है? टू इंटरेस्टेड यूजर्स मीन्स, यानी कि ये समझो ये आउटसाइडर यूजर्स हैं, इसमें आपके समझो कॉरपोरेट अथॉरिटीज हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंज, राइट, और जनरल पब्लिक, ठीक है, ये सब या आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, ठीक है, ये आपके यूजर्स होते हैं, राइट? इनको कम्युनिकेट करना, ठीक है? तो ये देखते हैं व्हाट इज, सबसे पहले देखो ये मैंने मार्क भी किया हुआ रेड से, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, यानी देखिए आइडेंटिफाइंग का क्या मतलब है, ये एक डेफिनेशन थी, लेकिन आइडेंटिफाइंग देखो मीनिंग क्या है। आइडेंटिफाइंग कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग इकोनॉमिक इवेंट्स रिलेवेंट टू बिजनेस,
देखो आइडेंटिफाइंग कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग इकोनॉमिक इवेंट्स रिलेवेंट टू बिजनेस दैट इज सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स परचेज ऑफ मटेरियल्स पेमेंट अक्रूअल ऑफ वेजेस टू वर्कर्स एंडसेट्रा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना मतलब कि देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अप्लाई कर रहे हैं तो अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टिंग इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, इसको मार्क करना, देखो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई परचेज हो गई है आपकी, सेल हो गई, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, पेमेंट हमने कर दी वेजेस की या अक्रूड सैलरी हमने इनकर हो गई, हमने उसको रिकॉर्ड किया, तो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, जब आइडेंटिफाई कर दिया कि मतलब दिस इज सेल्स इनकर्ड, राइट, अब सेकेंड स्टेप है कि टू रिकॉर्ड उसको मेजर करना, पहले मेजर करना कि भाई वो सेल जो हुई है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड स्टेप आ जाता है मेजरिंग, मीन्स क्वांटिटी इकोनॉमिक इवेंट्स इन न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, मेजरिंग मीन्स क्वांटिफाइंग ऑफ सिलेक्टेड इकोनॉमिक इवेंट्स। यहाँ देखो यह फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर दिया, सिलेक्ट कर लिया एक्टिविटीज को, फॉर एग्जाम्पल सेल्स सिलेक्ट कर ली। अब इसमें क्वांटिफाइंग ऑफ सिलेक्टेड इकोनॉमिक इवेंट्स इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, अब इसको हमने वैल्यू में कन्वर्ट करना है, रुपीज डॉलर्स, ठीक है, जैसे पाकिस्तान है तो पाक रुपीज में कन्वर्ट करना, ठीक है, और कोई अदर कंट्री है तो उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना, जो हमने आइडेंटिफाई किए जैसे सेल इनकर्ड, अब आइडेंटिफाई तो हो गई, अब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना सेकेंड स्टेप है। ठीक है, तो मेजरिंग है, ये हो गई मेजरिंग, हो गई इसको मेजर कर लिया उसका हम, राइट, क्लियर। थर्ड स्टेप में जब मेजर कर लिया, उसको क्वांटिफाई कर लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी, राइट, असाइन कैसे करते हैं, मिसाल तौर पर किसी ए प्रोडक्ट ए यूनिट्स हमने सेल किया कस्टमर एक्स को, ठीक है, अब हमारे पास उसका फाइल में उसका ऑर्डर होगा ना, हमें पता है इस कस्टमर को हमने ये जो सेल यूनिट्स किए हैं हमने कितने, भाई इसका ऑर्डर देखा भाई 100 रुपीज पर यूनिट, उसके हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करके यूनिट्स को उसको मेजर कर लिया, राइट। अब थर्ड स्टेप देखिए रिकॉर्डिंग, अब जब मेजर आइडेंटिफाई किया फिर मेजर कर लिया उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप आ गया, कंसिस्ट ऑफ कीपिंग ए सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल डायरी ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इन रिकॉर्डिंग द, देखें अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ कीपिंग ए सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, क्रोनोलॉजिकल डायरी, क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं है कि हमने सेकंड को तो रिकॉर्ड किया फिर फोर्थ रिकॉर्ड कर रहे हैं थर्ड उसके बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, डेट वाइज रिकॉर्डिंग करनी, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल डायरी ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिकॉर्ड किया, मतलब सेल्स अगर हुई तो हमने सेल्स लेजर में उसको रिकॉर्ड करना, राइट, परचेज हुई तो परचेज लेजर में रिकॉर्ड करना, ये मकसद। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक से मतलब इन रिकॉर्डिंग द कंपनी आल्सो क्लासिफाइज एंड समराइजेज द इकोनॉमिक इवेंट्स। ठीक है, इसको क्लासिफाई भी कर रहे हैं, और जब रिकॉर्डिंग हो गई हमारी तो इसके बाद हमने कम्युनिकेट कर दी, कम्युनिकेटिंग मीन्स द, अब देखिए ये जो स्टेप है ना 1 2 3, यानी कि देखिए आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना और रिकॉर्डिंग, ये डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, ये डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है, राइट, डे टू डे एक्टिविटीज हो रही है। अब कम्युनिकेशन आ गया, ठीक है, ये कब होगा, मंथ एंड पे, ये पीरियड एंड है, दैट मे बी मंथ एंड मींस द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम कहते हैं, देखो अभी आगे भी आपको बताएंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का मतलब होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहलाता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाना, ठीक है, बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी स्टेटमेंट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहलाती हैं, इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, जाहिर है वर्बली तो नहीं हम कम्युनिकेट करें, मीन द प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दीज टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अब मंथ एंड पे क्या किया, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हमने बनाई और डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है, These two interested parties. Interested parties आपकी क्या हुई, वो जो बताया भी है मैंने पीछे के shareholders, ठीक है, आपके
सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक, डिफरेंट बैंक्स, ठीक है, जो आप जिनसे आपकी डीलिंग्स है, ठीक है, जनरल पब्लिक, उनको आपने रिपोर्ट, रिटर्न रिपोर्ट आपने उनको सबमिट कर दी, ठीक है। तो ये कहते, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो आपके स्टेप मैंने बताया कि अकाउंटिंग है, देखो, काउंटिंग द आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक, टू इंटरेस्टेड पार्टीज। अब ये बताइए, ये डेफिनेशन क्लियर हुई? हाँ स्टूडेंट, यस सर, क्लियर इसकी यानी ये बेसिक डेफिनेशन है फाइनेंस अकाउंटिंग की, ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है और इसको मैंने ये एग्जांपल के साथ, देखो, ये अपने डेफिनेशन याद रखनी, ठीक है, और इसकी मीनिंग भी समझनी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग, ठीक है, उसको, और फिर रिकॉर्डिंग और फिर कम्युनिकेटिंग है। ये देखो, फर्स्ट थ्री स्टेप्स डे टू डे हो रहे हैं। आप अगर फर्ज करो एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो, राइट, अकाउंटिंग, देखो आप इसमें वरी नहीं करें। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई स्टूडेंट आप में से ऐसा है जिसने अभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, डोंट वरी, ठीक है, आप टेंशन नहीं ले, ठीक है। मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ ए बी सी से, अलिफ बे से, ठीक है। तो इसलिए आप समझो कि आपके लिए इक्वली आपके लिए इम्पोर्टेंस है, यानी कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू लर्न द अकाउंटिंग, राइट। अगर आपको अलिफ बे भी नहीं पता अकाउंटिंग का, तो यू कैन लर्न, ठीक है, प्रोवाइडेड यू ज्वाइनिंग द क्लास इन टाइम, ठीक है, ऑन रेगुलरली यू विल, इफ यू अटेंड द क्लास यू विल बी नो प्रॉब्लम इन अकाउंटिंग, राइट। तो देखिए, ये हमने डेफिनेशन आपको अकाउंटिंग की पढ़ाई, ये सब मैं हैंड आउट आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं बुक, अब एक ये भी एक आपको बताते हैं बुक कीपिंग। समटाइम क्वेश्चन भी इस सब्जेक्ट पे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या, देखो, बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स इन द रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बुक कीपिंग सिर्फ एक पार्ट है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग इन्वॉल्व ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स इन द रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग इज नॉट द अकाउंटिंग, बट इट इज द वन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट इज रिकॉर्डिंग, ठीक है। जो रिकॉर्डिंग है उसको कहते हैं बुक कीपिंग। देखो, बुक कीपिंग जो असिस्टेंट, जैसे कोई जी आपके जो स्टाफ है, जो कि जूनियर स्टाफ है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो ये काम कर रहा होता है डे टू डे, ठीक है, बुक कीपिंग के रोजाना जो डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उनको रिकॉर्ड करना रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये जूनियर स्टाफ का काम है, फुल डे उसके वर्क यही है तो रिकॉर्ड कीपिंग करना, राइट। तो ये बुक कीपिंग, तो ये एक क्वेश्चन बन गया आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग को आप पूरा तरह ये डिफाइन करोगे कि भाई अकाउंटिंग क्या, ये चार स्टेप है, ठीक है, और बुक कीपिंग आपने बता देना फिर कि भाई बुक कीपिंग इज ऑन वॉज ओनली द रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स इन द रिलेवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट्स ऑल, ठीक है। बुक कीपिंग इज ओनली ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, देखिए टाइप्स ऑफ, अब ये आपको बता रहे हैं, देखो बेसिक चीज है कि अकाउंटिंग तो हमने पढ़ लिया, अब अकाउंटिंग की टाइप्स हैं बहुत, जो कि आप आगे पढ़ोगे। अकाउंटिंग हमने बताया, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, ये सबको हम बताते हैं आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन जो है कितनी टाइप की है, या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इसको ये भी कह सकते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है कितनी टाइप्स की है, या ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ये है आपका, ठीक है, टॉपिक। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहली है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमने अकाउंटिंग पढ़ लिया, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ टाइप्स। पहली क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, देखो हर एक तो फील्ड ऑफ, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर
showing performance and financial position to outside decision makers and such as stockholders, suppliers, banks, government agencies ka matlab jaise corporate law authority, tax authorities and others, theek hai, others matlab aur jo general public bhi isme aa gayi, theek hai. To financial accounting aapki jo hai ki kya hai, branch of accounting hai ye, aur ye kise kehte hain, financial accounting is the field of accounting, theek hai, concerned with the, yahan par dekho financial accounting ka concern kya hai, preparation of financial statements for showing performance and financial position, showing performance and financial position. देखो परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस का मतलब इनकम स्टेटमेंट, राइट. जैसे आप स्टूडेंट हो, आपकी परफॉर्मेंस है कि टू गेट द गुड ग्रेड, राइट, टू पास एज वेल एज गेट द गुड ग्रेड, ये परफॉर्मेंस है, ठीक है. अगर पुअर ग्रेड है तो भाई पुअर परफॉर्मेंस, पुअर प्रॉफिट है, लेस प्रॉफिट है तो पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है. तो परफॉर्मेंस हमारी इनकम स्टेटमेंट से आती है, कंपनी की परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट बता रही थी. अगर ह्यूज प्रॉफिट है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर कंपिटिटर्स, गुड परफॉर्मेंस. अगर लोअर प्रॉफिट है तो पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है. लॉस है तो वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ठीक है. तो ये है, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द फील्ड. अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बहुत सी चीजें आ रही हैं. इज द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर शोइंग परफॉर्मेंस. ये परफॉर्मेंस इनकम स्टेटमेंट बता रही है, ठीक है. एंड फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट बता रही है आपको. बैलेंस शीट का मतलब होता है कि आप जो है, बैलेंस शीट मीन्स के यू आर शोइंग कि आपके पास एसेट्स कितने, लाइबिलिटीज आपकी कितनी, आपकी ओनर सिक्योरिटी कितनी, राइट. उसको कहते हैं बैलेंस शीट. एक कंपनी है उसमें एसेट्स होंगे, यानी कि जो जो उन्होंने रिसोर्सेस को ओन किया हुआ है उसको एसेट्स कहते हैं, ठीक है. अभी आगे हमको डिटेल बताएंगे एसेट्स वगैरह को, ठीक है. फाइनेंशियल पोजीशन टू आउटसाइड डिसीजन मेकर सच एज, ये किनको देखो, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन चीज बताई आपको, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही कंसिस्ट कर रही है फॉर शोइंग परफॉर्मेंस, ये इनकम स्टेटमेंट. फाइनेंशियल पोजिशन बैलेंस शीट बता रही है टू आउटसाइडर्स फॉर डिसीजन, ठीक है, फॉर टू आउटसाइडर्स डिसीजन मेकर्स सच एज स्टॉक होल्डर्स, ये डिसीजन मेकर्स, सप्लायर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, अदर्स. ये डिसीजन मेकर्स क्यों है, देखो स्टॉक होल्डर्स जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा तो वो सोचेगा कि मैं इस कंपनी के शेयर्स परचेस करूं या ना करूं, राइट. सप्लायर्स आपकी ये रिपोर्ट्सों को देखेगा तो सोचेगा कि भाई हम इनको, इस कंपनी को क्रेडिट में माल दें या ना दें, क्योंकि ये पैसा वापस भी कर पाएगा. बैंक्स आपकी रिपोर्ट्स को देखेगा क्योंकि वो देखेगा यार कल को ये मुझे हमसे कुछ लोन मांगेगा तो हमें इनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इनकी पोजिशन क्या है, ठीक है. ये सब चीज़ें ये उनके डिसीशन मेकर, ये उनके डिसीशंस होंगे कि भाई ये गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर्स, ठीक है. जनरल पब्लिक है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफन मेड ऑन मंथली एंड ईयरली बेसिस, ठीक है. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन मंथली बेसिस. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, देखो क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकम स्टेटमेंट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी स्टेटमेंट, ठीक है. अब इसको सबको डिफाइन करेंगे आगे, ठीक है. ये अभी इतना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, ठीक है, एंड बैलेंस शीट, ये चार स्टेटमेंट है, याद रखो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या है, जिसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी कह सकते हैं. नंबर वन, चाहे ये पाकिस्तान हो या यूएसए हो, यही स्टेटमेंट्स होगी, ठीक है. उनकी प्रेजेंटेशन भी सेम होगी, राइट, कंट्री वाइज ये स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं सारी, ठीक है. तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है आपकी क्या है, देखो इनकम स्टेटमेंट, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट, ठीक है. अभी इनको सबको हम सेपरेटली आपको बताएंगे कि भाई इनकम स्टेटमेंट क्या है. अभी तो आपने इतना देख लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब याद रखना आपने, इनकम स्टेटमेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट, ठीक है. तो अब देखें, हम सबसे पहले
ये तो हमने आपको बता दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अभी हम देखो डिस्कस कर रहे हैं इनको, अभी सेपरेटली बाद में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इनकम स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करना है, स्टॉक होल्डर इक्विटी को ठीक है। अभी तो हमने बताया टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है ये चार्ट नंबर वन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकेंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी आपके सिलेबस में आएगा आगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। देखो आप इसको कंपेयर करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, देखो कि डिफरेंट है, इसीलिए इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग एंड एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और एक्टिविटी। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग एंड एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड आर सर्विसेज आर एक्टिविटीज। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट सपोज एक कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बना रही है, डिफरेंट 10 प्रोडक्ट्स, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या होगा कि टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट एंड सो ऑन, राइट। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। अब ये काम देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मैंने डेफिनेशन आपको बताया, ये काम तो नहीं कर रही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, इस स्टेटमेंट से हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स तो नहीं मिल रही, ठीक है। ये तो ओवरऑल बेसिस पे हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, राइट। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट लोग इसका काम कर रहे होंगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द रिविजन कंसर्न विद द डिटरमाइनिंग अकाउंट एक्यूमुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, डिटरमाइनिंग एक्यूमुलेटिंग, एक्यूमुलेशन का वर्ड यहाँ यूज यूं हो रहा है क्योंकि हम एक्यूमुलेशन करते हैं कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, फैक्ट्री और हेड, इन सब की एक्यूमुलेशन होगी तो फिर कॉस्ट आएगी एक प्रोडक्ट्स की, इसलिए एक्यूमुलेशन का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, राइट। और एग्जाम्पल्स इसकी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपको एग्जाम्पल दी कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसकी एग्जाम्पल देखो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, ठीक है, यानी बजट बनाना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट भी निकाली और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी निकाली। स्टैंडर्ड कॉस्ट समझो, यहाँ समझो कि एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रोडक्ट्स ए बनाए इसकी कॉस्ट आई 100 रुपए, ठीक है, हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बनानी है और कंपेयर करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस है दोनों में क्या है। तो ये है देखिए बजट्स बनाना, स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ऑपरेशंस, डिटरमिनेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है, प्रोसेस कॉस्ट एनालिसिस ऑफ वेरियंस, फिर वेरियंस कैलकुलेट करना, कि वेरियंस कैलकुलेट का मतलब कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है क्या स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हो गई, क्या मटेरियल कंज्यूम ज़्यादा हो गया, लेबर कंज्यूम ज़्यादा हो गई, फैक्ट्री और हेड में कोई एक्सपेंसिस ज़्यादा हो गए, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, क्यों हो गया, ठीक है, ये वेरियंस कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बताया, ठीक है, सेकेंड जो आपका जो है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, और थर्ड आ जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप देखते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, ये एक अलग फील्ड है। इन द फील्ड ऑफ इट इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज एंड फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। देखो वहां थी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज एंड फॉर इंटरनल यूजर्स। देखो ये जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, याद रखो, आर डिफरेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बनाई जा रही है इंटरनल ऑडियंस के लिए। इंटरनल ऑडियंस कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट, और कौन हो सकता है, स्टोर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, राइट, प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, ठीक है, इनके लिए ये बनाई जा रही है, उनके डिसीजन मेकिंग, ताकि ये इस रिपोर्ट की मदद से
वो अपने काम जो है बहुत एफिशिएंटली सर अंजाम दे। ठीक है, ये दीज रिपोर्ट याद रखो, मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर नॉट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, इट इज फॉर मेड फॉर आउटसाइडर्स, बट दीज रिपोर्ट्स आर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, दीज रिपोर्ट्स विल नॉट बी सप्लाइड टू द आउटसाइडर्स। ये तो कंपनी के सब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं। देखो, इन द कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज इन कॉस्ट को फॉर इंटरनल डिसीजन मेकर्स। ठीक है, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जनरेटेड मंथली और वीकली और इवन ऑन डेली बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडियंस। देखो, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है वो बहुत जल्दी अगर बनाई गई तो मंथ एंड पे, याद रखो, लेकिन ये रिपोर्ट्स मे बी मेड ऑन मंथली बेसिस, देखिए वीकली बेसिस, इवन ऑन डेली बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडियंस सच एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि आपका CFO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कह लो, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर मीन्स फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजर्स, IT मैनेजर्स, राइट, ये एग्जांपल है, उनके लिए ये रिपोर्ट्स बनाई जा रही है जो मैनेजमेंट अकाउंट, और इसकी एग्जांपल देखो आपको क्लियर हो गए, कैश अवेलेबल रिपोर्ट एट मंथ एंड, कैश अवेलेबल, ये डी एंड बी बनाई जा सकती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन हैंड, स्टेटस ऑफ अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग डेट्स यानी कि लाइबिलिटीज जो आउटस्टैंडिंग है, ट्रेंड चार्ट्स, वेस्टेज रिपोर्ट्स, यील्ड रिपोर्ट। ठीक है, ये सब रिपोर्ट्स हैं जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको बनाई जाती हैं और हमारे इंटरनल ऑडियंस को ये सप्लाई की जाती है, इंटरनल ऑडियंस को। ठीक है, इंटरनल ऑडियंस आपको बता दिया, जैसे आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स एंड सो ऑन। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल दिए, देखो जैसे कैश अवेलेबल रिपोर्ट, ये भी एक मैनेजमेंट रिपोर्ट है, या एट डे एंड भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपका MD ये कहे कि जब मैं सुबह आऊं तो मैं जब रूम में एंटर हूं तो मेरे टेबल के ऊपर सुबह 9 बजे कल की रिपोर्ट, कल यानी कि आज फर्ज करो 1 फरवरी है का, तो अब मैनेजमेंट MD ने कहा हुआ है कि 31 एक दिन पहले की रिपोर्ट, कि 31 जनवरी की रिपोर्ट इसके टेबल पे होगी, जिसमें क्या होगा कि बैंक वाइज उसके पास होगी कि HBL में हमारा बैलेंस कितना है, UBL में हमारा कितना बैलेंस है, MCB में हमारा कितना बैलेंस है, ये रिपोर्ट वो कह रहा है कि मुझे रोज़ चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब स्टाफ को डेली बेसिस पे बना के सुबह के टाइम उसको कल की रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये इसको भी मैनेजमेंट रिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह स्टेटस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल के जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनके बैलेंसेस हमें मौजूद हो कि हमारे पास किस कस्टमर का बैलेंस अभी कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल बता रहा है। ठीक है, तो इसी तरह ये वेस्टेज रिपोर्ट के मतलब कल जो प्रोडक्शन हुई उसमें वेस्टेज क्या रही, वीकली वेस्टेज रिपोर्ट क्या हुई, मंथली वेस्टेज रिपोर्ट क्या हुई, यानी कि जो आइटम वेस्ट हो गए क्या परसेंटेज है उसकी, राइट, ये सब चीज़ें, यील्ड रिपोर्ट वगैरह, ये सब जब। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कोई आपका कोई क्वेश्चन हो? बाकी ये तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। क्या कह रहे हो, फिर से कहें? बोले भाई मिस्टर हसन अहमद, आपका कोई क्वेश्चन है? हसन अहमद साहब, मिस्टर हसन अहमद, आवाज सुन रहे हैं मेरी? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं मेरे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आप देखिए अभी एक रिपोर्ट, एक और आपको ब्रांच बता रहे हैं। देखो ये, ताकि ये देखिए टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, ये भी एक देखो एक फील्ड है आपकी टैक्स अकाउंटिंग है, इसको देख के पढ़ते हैं अब हम, व्हाट इज टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, तो देखिए टैक्स अकाउंटिंग क्या है,
स्टेटमेंट देखिए, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड टैक्स प्लानिंग, है ये समझो एक सेपरेट आपका जो है एम्प्लाई होगा जो ये काम कर रहा होगा कि टैक्स अकाउंटिंग का काम, देखो ये लाजमी एक एम्प्लाई को अपॉइंट किया होगा कंपनी ने, वो टैक्स अकाउंटिंग कर रहा है। अब देखो टैक्स अकाउंटिंग क्या है, टैक्स अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड टैक्स प्लानिंग, है इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड टैक्स प्लानिंग। अब देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड व्हाट इज मेंट बाय टैक्स प्लानिंग, ये काम उसने करना है। देखिए टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या है, देखो मींस टू शो इनकम एंड एक्सपेंसेस फिगर्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट ईयर, ये पूरी वो मैनेज करता रहेगा, ठीक है, फॉर द लास्ट, जैसे ईयर एंड हो गया, ठीक है, अभी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना है, क्या करेगा ये, देखो इनकम टैक्स रिटर्न मींस टू शो इनकम, इनकम मींस जो सेल हुई है उसकी, एंड एक्सपेंसेस फिगर्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट ईयर एंडेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इसको सबमिट करना, उस फॉर्म में इसको ट्रांसलेट करना अपनी एक्टिविटीज को टू टैक्स अथॉरिटी फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स लायबिलिटी फॉर दैट ईयर। इस फॉर्म में जब ये चीज सबमिट हो जाती है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट कैन कैलकुलेट द इनकम टैक्स, हाउ मच नाउ टैक्स इज ड्यू फॉर दिस एक्स कंपनी, ठीक है, ये इसका काम है टैक्स अकाउंटिंग। और टैक्स एक्सपर्ट जो होगा वो ये काम कर रहा होगा, देखो टैक्स अकाउंटिंग इज द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, ईयर एंड पे काम होगा ये, एंड टैक्स प्लानिंग, ये देखो ये डेली बेसिस पे करेगा टैक्स प्लानिंग, क्या टैक्स प्लानिंग मींस एंटीसिपेटिंग टैक्स इफेक्ट्स ऑफ ईच बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग दीज ट्रांजेक्शंस इन ए मैनर दैट कैन मिनिमाइज इनकम टैक्स बर्डन, ये उसका काम है कि जो कंपनी के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना उनको इसकी ग्रुपिंग इस तरह करे कि कंपनी के ऊपर टैक्स का बर्डन कम से कम, राइट right? देखो इसका मतलब क्या है कि जिसे के कोई कंपनी है वहाँ इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, है? वो कंपनी की नेचर ऐसी है कि वो जो कस्टमर आ रहे हैं उनको इंटरटेनमेंट देना पड़ता है, और इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस टैक्स अथॉरिटी डिसअलाउ कर देती है, टैक्स अथॉरिटी इसको डिसअलाउ कर एक सर्टन लिमिट तक वो डिसअलाउ कर देगी। अब उस कंपनी में इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस बहुत हो रहे हैं, तो क्या करना है, इसका काम है कि ऐसे एक्सपेंसेस को की ग्रुपिंग किसी और जगह, उसको डेबिट आप उस इंटरटेनमेंट में नहीं करें, एक लिमिट तक करें, उसको किसी और एक्सपेंस में डेबिट करें जो कि अलाउएबल हो, यानी कि जिसको वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर वो एक्सपेंसेस को डिसअलाउ कर देंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़, इनकम टैक्स आ जाएगा आपके पास, इनकम नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर ज्यादा होगा तो आपके पास टैक्स अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसने इस तरीके से एलोकेशन करनी है एक्सपेंसेस की रीस्ट्रक्चरिंग कि आपकी प्रॉफिटेबल यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि टैक्सेबल प्रॉफिट कम आए ताकि आपके पास इनकम टैक्स का बर्डन कम आए, ठीक है, ये कहलाता है टैक्स प्लानिंग, है ये डे टू डे कर रहा होगा टैक्स अकाउंटिंग, ये है देखो एक तो इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना इन द फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फॉर्म में, और दूसरा टैक्स प्लानिंग करना इस तरह डे टू डे के कंपनी का टैक्स का बर्डन कम हो जाए, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया। तो ये चार हमने बताई आपको फील्ड है अकाउंटिंग की, ठीक है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी, और फिर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है, तो ये अब आगे चलो आप, ठीक है, अब ये प्राइमरी, ये जो अभी हमने आपको बताया था ना यूजर्स, इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, ये आपको फिर से बता रहे हैं, ठीक है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स को फिर समझना। देखो इंटरनल यूजर्स तो जाहिर पता है आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो दोज पर्सन हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल यूजर्स कौन है, जो वो लोग जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैनेजिंग, वो जो सीनियर स्टाफ है ना जो कंपनी का जो डे टू डे उसको मैनेज कर रहे हैं, कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, वो कहलाते हैं इंटरनल यूजर्स, राइट,
इंटरनल यूजर्स हैं और ये सारी मैनेजमेंट रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, ठीक है। दे यूज इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का वही मैनेजमेंट रिपोर्ट, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, इफेक्टिवनेस का मतलब समझो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है, कंपनी की, और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ठीक है, ताकि हमारी कॉस्ट पर यूनिट भी रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, तो इफेक्टिवनेस है, ठीक है। ये इंटरनल यूजर्स है। और देखो ये एग्जाम्पल फिर बता रहे हैं आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO, फाइनेंस मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, अकाउंट्स मैनेजर, एक्सेट्रा, ठीक है। इंटरनल यूजर्स नॉर्मली यूज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये इंटरनल यूजर्स है कि आपको बेसिक अकाउंटिंग में आपको पता होना चाहिए इंटरनल यूजर्स कौन है, ठीक है। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, दोज पर्संस एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस भी हो सकती हैं, यानी कंपनीज भी हो सकती हैं एक्सटर्नल यूजर्स में, हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे, ये लोग कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, ताकि आपसे वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। दोज पर्संस एंटरप्राइजेस हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बट दे हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आपके अंदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपसे, यानी कि आपसे डील करना चाह रहे हैं, आपसे आपको चाह रहे हैं कि भी आपको गुड्स आपको क्रेडिट पे दें या आपसे गुड्स खरीदें, राइट राइट, इस टाइप के भाई स्टॉक होल्डर्स हैं, वो आपके शेयर्स पर, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो शेयर्स आपके परचेज करना चाह रहे हैं, तो ये वो भी आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। ये इसलिए आपको फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया ना उनका, आप बैंक्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के साथ उनका, बैंक का भी होता है, ठीक है। तो ये है दोज पर्सन्स एंड एंटरप्राइजेस हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट दे हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, ओनर्स, इनको स्टॉक होल्डर्स को ओनर कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये समझो असल मालिक ये स्टॉक जिन्होंने पैसा लगाया, क्रेडिटर्स जो आपको जिससे आप खरीदते हैं चीजें, ठीक है, क्रेडिटर्स है वो आपके, ठीक है, सप्लायर्स भी कह सकते हो, ठीक है, क्रेडिटर्स का मतलब कि जिनसे आपने जैसे चीजें खरीदी लो क्रेडिट पे, ठीक है, कस्टमर्स है जिसको आप चीजें बेच रहे हो, ठीक, गवर्नमेंट एजेंसीज है जैसे टैक्स अथॉरिटीज, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटीज, जनरल पब्लिक, आम आदमी, ठीक है, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं, ठीक है। आम आदमी के आप अभी शेयर्स नहीं लिए हुए लेकिन आप इंटरेस्टेड हो किसी कंपनी के शेयर्स लेने के लिए, ठीक है, आप उसको स्टडी करोगे, तो ये यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर्स नॉर्मली यूज फाइनेंशियल अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर दियर डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये एक्सटर्नल यूजर्स, इंटरनल यूजर्स आपको बताया, ठीक है। अब ये देखो जरूरी है, अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस जो होता है ना वो कितने टाइप का होता है, राइट। बिजनेस जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये आपकी, बिजनेस जो है ना, कोई भी बिजनेस हो है? कितने टाइप्स का, देखो यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइज हम कितने टाइप्स का नहीं है, जैसे बिजनेस की जो फॉर्म्स है ना वो क्या क्या हो सकती है, ठीक है, यानी कि आप बिजनेस करना चाह रहे हो, आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप में हो सकता है और कॉरपोरेशन में हो सकता है, तीन तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी वो बना रहे हो, ठीक है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यहाँ पर है, टाइप्स ऑफ बिजनेस अभी अलग आएगा, अभी ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस शक्लें कि मतलब उसकी बिजनेस की क्या हो सकती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज इन थ्री फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स में बिजनेस ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब क्या है, उस बिजनेस का मालिक एक बंदा है, राइट, ओनर वन पर्सन है, ठीक है। व्हेन एन अन और ये कहलाएगा अनइनकॉर्पोरेटेड, यानी कि रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं हो, ठीक है, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन, देखो वन पर्सन इज कॉल्ड ए सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, क्योंकि आपके पास इनकम स्टेटमेंट आएंगी सोल प्रोप्राइटरशिप की भी, पार्टनरशिप भी है, और फिर आपका जो है वो कॉर्पोरेशन भी होगा, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो तीन तरह के फॉर्म, कोई भी बिजनेस है, या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में,
या फिर आगे बताते हैं व्हेन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ए सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर एक आदमी उसका ओनर है तो क्या कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप है ये। मिसाल को बता, ज्यादातर आप देखो, आप जहाँ जैसे आपके रेजिडेंस एरिया में आप देखो जो दुकानदार बैठे हुए, रिटेलर्स, राइट, मेडिकल स्टोर्स, ये ज्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, एक ही आदमी है, जैसे कोई परचून की दुकान है समझो, है बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब उसका ज्यादातर मालिक एक है। ठीक है भाई, वही चीजें खरीदता और बेचता है। ठीक है, एग्जाम्पल स्मॉल रिटेल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, ये सब चीजें जो है ये आपके सोल प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है, एक हेलो सर, बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर। जी जी बोले। सर जैसे आपने इंटरनल यूजर का बताया, उसमें एक जैसे जो बंदा है जो शॉप में काम तो करता है लेकिन उसको उसके अकाउंट्स के बारे में कुछ भी इलम नहीं है, तो वो तो इंटरनल यूजर में शुमार नहीं किया जाएगा ना? असल में देखो, इंटरनल यूजर्स जो है वो तो आपको बताया था कि वो सीनियर स्टाफ है ना, जैसे एक वर्कर है, वो जी तो जी उसका तो इससे कंसर्न नहीं है ना, उसका तो काम है भाई चीजों को बना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, वो मशीनों पे काम कर रहा है, मशीन ऑपरेट कर रहा है, तो वो थोड़ी यूज करेगा। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, कंपनी को रन करना है इन्होंने एफिशिएंटली, राइट। वो इंटरनल यूजर्स हैं कौन से, जो सीनियर मैनेजर, सबसे पहले तो आप लोगे मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो है आपका इंटरनल यूजर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है, स्टोर मैनेजर। ठीक है, जो सीनियर स्टाफ है ना, जो बिल्कुल जूनियर स्टाफ है, वर्कर्स हैं, वो यूजर थोड़ी है। वो तो उसका तो काम है कि भाई उसकी जो ड्यूटी है कि टू रन द मशीन टू प्रोड्यूस सच एंड सच थिंग्स। ठीक है, अब क्लियर हुई बात? जी जी सर, बोलो। यस यस क्लियर हो गया सर, क्लियर। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन अवर ओनर इज पर्सनली। देखो यहाँ पर ये चीज़ें, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन अवर कंट्री। सबसे कॉमन बिजनेस आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का, आप जगह जगह छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल ओनर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिजनेस हर मुल्क के अंदर ये सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है। ओनर इज, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है, देखो ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस वहां पर, जो वो मतलब बैंक से जैसे लोन लिया उसने, ठीक है, या कोई चीज खरीदी, उसकी लायबिलिटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कि उसको रीपे करे। ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल डेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेस के डेट्स का मतलब जो लायबिलिटीज, ठीक है, किसी टाइप की लायबिलिटीज हो, है क्या, आपने कोई चीज खरीदी उधार, ये बैंक से लोन लिया है, ठीक है, वो आपने सब आपने खुद पे करना है। ठीक है, पर्सनली लायबल है आप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पर्सनली लायबल को अगर आप यू बिकम अनएबल टू पे फ्रॉम द शॉप, तो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स यानी कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बैंक बेच देगा। ठीक है, और उसको अपना पैसा रिकवर करने का, क्योंकि यू आर पर्सनल लायबल। ठीक है, इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट अपीयर्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप में, जो इक्विटी सेक्शन है ना वो कैसे शो करेंगे, ए बी, देखो पार्टनर, देखिए सेकंड पे आ गए, देखिए ओनर्स इक्विटी, देखो ओनर्स सिंगल है, देखो ओनर्स एस नहीं लगा हुआ है, ओनर्स इक्विटी, ए बी सी कैपिटल, यानी कि ए बी सी, जैसे अहमद अली है नाम है, अहमद अली कैपिटल, यानी कि ये कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल समझो कि इसका मतलब होता है कि जो कंपनी के पास एसेट्स है ना, और लायबिलिटी और एसेट्स का जो डिफरेंस होता है ना, उसको कहते हैं कैपिटल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि अगर फर्ज करो 1 लाख रुपए का एसेट है उस दुकान पे, फर्ज करो, एसेट्स का मतलब उसके पास जो चीजें बेचने के लिए रखी हुई है सारी चीजें, इन्वेंट्री जिसको कहो, इसके अलावा और भी उसके पास है, एसी भी है उसके पास है, उसके पास, ठीक है, तो वो सब की कॉस्ट सपोज 1 लाख रुपए बनती है। ठीक है, और 40,000 लायबिलिटी है उसके ऊपर, यानी कि उसने उधार खरीदा हुआ है चीजों को, तो इसका कैपिटल कितना हुआ, 1,40,000 इज इक्वल टू 60,000। इसका मतलब इसका कैपिटल, इसमें इसका पैसा समझो लगा हुआ है दुकान एसेट्स के ऊपर कितना, 60, यानी कि 60%, 40% आउटसाइडर का पैसा लगा हुआ है समझो। ठीक है, ये कहलाती है ओनर सिक्योरिटी।
ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ओनर है, ओनर की ड्यूटी में वन पर्सन है, ठीक है, ओनर की ड्यूटी लिखा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे इस तरह लिखोगे ओनर, और नीचे लिखोगे वही दुकानदार जो है उसका नाम क्या है भाई, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कैपिटल, ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप को कि ओनर सिक्योरिटी इस तरह शो करते हैं, ठीक है, क्लियर, ये याद रखना आपने, ठीक है, इसका सबका हैंडआउट आपको मिलेगा सबको, ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नहीं नेक्स्ट देखें, और अब कम टू द नेक्स्ट पेज, पार्टनरशिप, अब ये दूसरी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, सेकंड इस कल में भी बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप व्हेन एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, यानी कि अभी रजिस्टर्ड नहीं है, ओन बाई टू आर मोर पर्सन, इस कॉल ए पार्टनरशिप, अब क्या है बिजनेस जो हो रहा है उसमें कम से कम दो लोग मिलके कर रहे हैं, मालिक उसमें दो है एक नहीं है, अब उसकी शेयर ये हो सकता है एक का 60% हो, एक का 40% हो, ठीक है, लेकिन या 50-50 हो, लेकिन टू पर्सन आर इन्वॉल्व, व्हेन एन अनकॉपरेटिव बिजनेस ओन्ड बाई टू आर मोर पर्सन इज कॉल्ड एन एज ए पार्टनरशिप, एग्जाम्पल्स आर लार्ज प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग फर्म्स, ज्यादातर ऐसे लोग कर रहे होते हैं जैसे प्रैक्टिसिंग फर्म्स है, ठीक है, जैसे लॉ फर्म्स, अकाउंटिंग फर्म्स, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सपर्टीज बहुत चाहिए होते हैं, आईटी का भी बंदा चाहिए, अकाउंटिंग का भी बंदा चाहिए, तो फिर वो मिल के बिजनेस करते हैं, ठीक है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहा है, वर्कशॉप, जैसे वर्कशॉप खोला, अब वर्कशॉप खोलने के लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, फिर वर्कशॉप ओपन कर लीजिए, जैसे वर्कशॉप मतलब जैसे आप कोई गाड़ियों की मेंटेनेंस करते हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी करनी, तो उसमें तो आपको एक ही बंदा नहीं कर सकता ना, कई एक्सपर्टीज चाहिए, इलेक्ट्रिकल भी हो है, और आपका जो है और जो है उसकी रिपेयर भी कर सकता हो, तो वो सब मिल के उन्होंने किया, रिपेयर शॉप्स खोल ली, वर्कशॉप खोल दिया, दीज ऑल ओनर्स आर पर्सनली लाइबल फॉर, अब ये जितने भी ओनर्स होंगे ना, दो हैं या चार हो, सब लाइबल हैं फॉर द ऑल डेट्स ऑफ द बिजनेस, जैसे ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसका मतलब 3 persons इन्वॉल्व हो गए, जो कर्जा उधार चढ़ेगा वो ये तीनों बंदे जिम्मेदार होंगे, ठीक है, और इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट कैसे शो होगी, पार्टनर सिक्योरिटी, तो यहाँ शो किया था कैसे, ओनर सिक्योरिटी एक था, या पार्टनर सिक्योरिटी, देखिए पार्टनर सिक्योरिटी, ए बी सी कैपिटल और एक्स वाई जेड कैपिटल, दो पार्टनर है, ए बी सी कैपिटल यानी कि मोहम्मद अली जुनेद अली है, दोनों के कैपिटल कितने लगे हुए, इनका अपना पैसा समझो है? इनकी जो 45,000, 55,000, ठीक है, दो है? दो पार्टनर शायर हो रहे हैं कि दो पार्टनर हैं, ठीक है, 10 पार्टनर होंगे तो 10 पार्टनर्स के नाम आ रहे होंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्टनरशिप। अब थर्ड कॉर्प कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आ गया हेलो आपका, सर कॉरपोरेशन सर है, जी, सर इसमें जो अनकॉर्पोरेटेड का मीन होगा वो मतलब क्या होगा, उसको हम कैसे मतलब समझें एक तरह की से, किसका बोले, अनकॉर्पोरेटेड जैसे ये अनकॉर्पोरेटेड लिखा हो रहा है, मैंने अनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा मतलब ये मतलब गवर्नमेंट में करवाने होते हैं जैसे कि, या मैं कहीं भी रजिस्टर करवाना होगा इनको, मतलब कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती है, ये लीगली नहीं होगा, जी, ओके ओके ठीक है, और थर्ड आ जाती है ये, अब रजिस्टर्ड है देखो ये कॉर्पोरेशन, व्हेन ए बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेपरेट, देखो रजिस्टर्ड हो गया मतलब कि मतलब वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, वो अब ये सेपरेट बॉडी है, पूरी कंपनी एक सेपरेट बॉडी है, देखिए व्हेन ए बिजनेस इज, देखो ये सेपरेट बॉडी नहीं है इनकॉर्पोरेटेड, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्सन जो जो लोग इसको चला रहे हैं ना वो पर्सनली लायबल है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या आ गया कॉर्पोरेशन में, व्हेन ए बिजनेस यानी कि लिमिटेड कंपनी है, व्हेन ए बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, लीगल एंटिटी, ठीक है, यूं समझो कि लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स, देन इट इज कॉल्ड, देखो व्हेन ए बिजनेस ऑर्गेनाइज एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, आप जैसे हम आप है ना, ह्यूमन एंटिटी हम, ठीक है, नहीं हम यानी कि लीगल एंटिटी यानी कि ये समझो लीगल एंटिटी का मतलब है कि बॉडी, लीगल बॉडी, एंड वी आर ह्यूमन बॉडी, राइट, ये लीगल बॉडी हो गई, लीगल लीगल एंटिटी, एंटिटी मींस अगर आप डिक्शनरी में देखो बॉडी, लीगल एंटिटी है मतलब ये कंपनी जो के लीगल एंटिटी जो होती है उसके उसके पास राइट्स होते हैं, जैसे हमारे पास राइट्स है ह्यूमन बॉडी के पास कि हम किसी पे केस कर सकते हैं, हमारे ऊपर केस हो सकता है, ठीक है,
तो ये इसी तरह ये कंपनी है, ठीक है, व्हेन ए बिजनेस ऑर्गेनाइज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। अब देखो ओनर्स से ये सेपरेट लीगल एंटिटी, देन इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन, इट इज एन इन कॉर्पोरेटेड बिजनेस, ठीक है, इन कॉर्पोरेटेड बिजनेस रजिस्टर्ड है, देयरफॉर द ओनर्स आर नॉट पर्सनली। अब यहाँ पर ओनर्स नहीं लायबल है कंपनी के डेट से, ओनर्स कौन है यहाँ पर कहलाएंगे, स्टॉक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, वो ओनर्स है, वो पर्सनली लायबल नहीं है, कंपनी को तो चला रहे हैं जो मैनेजर्स वगैरह सब, लेकिन उसकी लायबिलिटी कोई पेमेंट करना कंपनी का काम है, ओनर्स नहीं है लायबल, पर्सनली लायबल है। देखो ये ओनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर, क्योंकि अब ये लीगल एंटिटी हो गई, ये कंपनी लीगल एंटिटी हो गई, इस ये देखिए दी ओनर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस, दी ओनर्स आर लायबल ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ दियर दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब ये इस सेंटेंस को बड़ा गौर से समझो, दी ओनर्स आर लायबल ओनली अप टू द एक्सटेंट दे इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इसका क्या मतलब? और उसको लिखा हुआ है दिस कंसेप्ट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये आपने कभी आप किसी लिमिटेड कंपनी का, जैसे कोई भी कंपनी है लिमिटेड, जैसे आप चले जाओ कि भाई गुल अहमद टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड, ठीक है, वहाँ लिखा होगा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि ये कंपनी जो है ना, आपकी जो शेयर होल्डर्स है ना आपके, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिमिटेड लगा हुआ है। जो शेयर होल्डर्स है ना, जिन्होंने आपके शेयर्स परचेज करके आपको पैसा दिया है, उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? दीज ओनर्स आर लायबल अप टू द एक्सटेंट दे आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इसका क्या मतलब? कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, तो उनकी लायबिलिटी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनका नुकसान हुआ, जितने रुपये उन्होंने शेयर्स लिए हुए थे ना, एक शेयर होल्डर्स ने सपोज 50,000 के शेयर्स लिए हुए थे, ठीक है, तो वो उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो समझो कागज़ हो गया, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी लायबिलिटी क्या हुई, ये हुई दी ओनर्स आर लायबल अप टू द एक्सटेंट दे आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बस दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, इसी वजह से जो उसकी कंपनीज के ऊपर जब लिखा हुआ होता है लिमिटेड है, इसका मतलब ये कॉरपोरेशन है और लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? जितने शेयर्स उन्होंने लिए, बस अगर कंपनी ली टू डेट हो गई तो उनकी लायबिलिटी ये होगी कि बस वो पैसा उनका ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। और इक्विटी सेक्शन ऑफ बैलेंस शीट कैसे शो करते हैं? देखो ओनर सिक्योरिटी, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एस भी लगा हुआ है, ये भी देखो है, इसको ओनर सिक्योरिटी भी लिखा जा सकता है, स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी भी लिखा जा सकता है, और शेयर होल्डर सिक्योरिटी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स। कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है जितने शेयर इशू किए ना उसकी वैल्यू, ये जो कंपनी ने शेयर इशू किए ना स्टॉक होल्डर्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है कंपनी जब से स्टेब्लिश हुई है उस वक्त से लेके अब तक जितना प्रॉफिट अर्न किया और उसको रिटेन कर लिया। देखो कंपनी जब, जो कॉरपोरेशन होती है ना, हर साल अगर प्रॉफिट हो रहा है ना उसका, एक सर्टन अमाउंट तो वो रिटेन कर लेती है और कुछ अमाउंट वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको कहते हैं डिविडेंड, है जिसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ देखो कैपिटल स्टॉक, यहाँ आपको डिफाइन भी किया है, रिप्रेजेंट्स द अमाउंट दैट स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनीज स्टॉक। वो कैपिटल स्टॉक क्या है? रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट द स्टॉक होल्डर्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन एक्सचेंज फॉर शेयर्स ऑफ कंपनीज। उन्होंने जो शेयर्स परचेज किए ना, उसके एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया, पैसा लगाया कंपनी में, उसको कहते हैं कैपिटल स्टॉक, ठीक है, उसको कैपिटल स्टॉक कहते हैं। रिटेन अर्निंग्स क्या है? शोज द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब से ये कंपनी बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तब से ले, आज से 10 साल पहले ये कंपनी बनी थी, जब से ले 10 सालों में जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया और हर साल जो थोड़ा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी जो रिटेन कर लेती थी, उन सब का ये समेशन है रिटेन अर्निंग्स, समझ गए। अगर ये कंपनी 10 साल पहले बनी थी तो जितने 10 साल में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से जितना रिटेन किया पहले साल में, प्लस दूसरे साल में, प्लस तीसरे साल, उन सबको जब जमा कर लेंगे तो वो उसको कहेंगे रिटेन अर्निंग्स आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, जो रिटेन कर लिया। देखो रिटेन
अर्निंग्स इसीलिए निकला ना रिटेन्ड प्रॉफिट। कंपनी ने अपने पास रखा, ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये ओनर सिक्योरिटी को आपको बताया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्पोरेशन में, लिमिटेड कंपनी में, ओनर सिक्योरिटी या स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, और ये आएंगे कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। और इसका टोटल जो हो जाएगा वो टोटल इक्विटी हो जाएगी, बस इनको सम अप कर देंगे, ठीक है। इक्विटी भी समझ गए और कॉर्पोरेशन समझ गए। तो ये हेलो तीन सर, केस में आपको बताई मैंने, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग समझने के लिए बहुत जरूरी था ये, ठीक है। और थर्ड है कॉरपोरेशन, ठीक है। जी जी सर ये कॉरपोरेशन में एक बात पूछनी थी। जैसे आपने बोला कि एक ओनर और एक जैसे भी कोई कंपनी उसको मिलके खोल रहे हैं तो वो एक लीगल भी है, लेकिन अगर वो जैसे नुकसान में जा रही है, लॉस में है, तो क्या कंपनी उस चीज़ की जिम्मेदार होगी कि वो उस बंदे को वो पैसे उसके वापस करेगी, या उसमें कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी? मतलब लॉस में हो रही है तो क्या वापस करेगी, और मतलब मतलब शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हो? हाँ ये नहीं देखो, तो शेयर होल्डर्स ने एक दफा शेयर्स परचेज कर लिया ना, जी तो अब ये कि वो उसकी वो अगर वो मुतमईन नहीं है वो कंपनी से, तो वो जी जी ओपन मार्केट में सेल कर सकता अच्छा, है, वो तो उसके पास ऑप्शन है ना। आपने शेयर्स लिया हुआ है एक्स कंपनी का, आप कह रहे हो नहीं यार यहाँ पर दो डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है, या ठीक है मैं इसको, आप स्टॉक एक्सचेंज आप उसको बेच दो, वो तो एक्सचेंज तो हो जाएगा ना, कंपनी नहीं खरीदेगी, लेकिन वो दूसरा एक्स आपके पास है, वाई पर्सन उसको ले लेगा मार्केट में। अब ये अलग बात है कि वो आपने वो 50 रुपये इसके हिसाब से खरीदा था, हो सकता है वो अब 40 रुपये में निकले, लेकिन वो निकल जाएगा शेयर, ठीक है। अच्छा अगर ठीक वो ठीक कंपनी अच्छी जा रही होगी और फिर भी आप बेचना चाह रहे हो कि भाई आपको कम पैसे की जरूरत पड़ गई इत्तेफाक से, तो हो सकता है 50 रुपए वाला शेयर 75 रुपए का जा रहा हो, ठीक है, वो आप बेच दोगे, आप कैश करा लोगे उसको, ठीक। तो ये तो बिल्कुल समझो लिक्विड है, कैश की तरह है, समझो आपके शेयर जो है जस्ट लाइक कैश, वेरी लिक्विड आइटम, ठीक है, एनी टाइम यू कैन सेल इट, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है ठीक है। कॉर्पोरेशन, अब आ जाइए देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बिजनेस, देखो अब ये एक अलग चीज है। देखो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, तीन शक्लों में बिजनेस किया जा सकता है। अब ये क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की तीन शक्लें, या तो सर्विस बिजनेस होगा, या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस होगा, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, बिजनेस की तीन चौथी टाइप नहीं होगी, या तो सर्विस बिजनेस है। सर्विस बिजनेस क्या है, देखिए एक कंपनी दैट प्रोवाइड सेल्स सर्विसेज टू कस्टमर्स, जैसे एक डॉक्टर्स की क्लिनिक है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे पिफा है, आईसीएमए है, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं ना, जैसे तालीमी इदारे हैं वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहा है, सर्विस दे रहा है, और वो कंपनी पैसा ले रही है स्टूडेंट्स से, ठीक है, फीस जो उनसे ले रही है वो फीस, डॉक्टर्स है वो कंसल्टेंसी दे रहा है और पैसे ले रहा है, ठीक है, तो ये सर्विस बिजनेस करते हैं, ठीक है, या वर्कशॉप है, रिपेयर किया उसने, ठीक है, और उसके पैसे ले लिए, राइट। तो क्या देखो, ए कंपनी दैट प्रोवाइड द सेल्स सर्विसेज टू द कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स क्लिनिक, अकाउंटिंग फर्म्स ये सर्विस दे रहे हैं, ऑटो रिपेयर शॉप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सब ये सर्विस, आगा खान हॉस्पिटल सर्विस बिजनेस है, सर्विस दे रहा है वो तो और पैसे ले रहा है, ठीक है, सर्विस, ये पहली टाइप हो गई। एक्सक्यूज अब मी सर, दूसरी सॉरी क्या, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मर्चेंडाइजिंग सर, बिजनेस। नेक्स्ट क्लास का ज़रा टाइम हो रहा है, इसलिए ज़रा मैं ज़रा वाइंड अप कर लें। थैंक यू अच्छा, ये मैं सिर्फ ये कितने घंटे की क्लास थी, फोर सर। 4 to 6 थी क्लास टू सिक्स अच्छा चलो, सर। हमें क्या रिकॉर्डेड लेक्चर ये मिलेगा हमारे पोर्टल पे, आज हमें क्या मिल जाएगा? जी, आपके पोर्टल पे एक दो ओके दिन तक ना एक प्रोसेस होके आपके पोर्टल पे आ जाएंगे। एक थैंक यू सेकेंड, सो बस मच ये सर। मैं सिर्फ ये टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ा दूँ, एक एक पेज पे ओके एक, सर, ओके सर, ओके। ये चीज बताइए कि हमारी क्लास जो है वो किस किस दिन है? सब मंडे एंड ट्यूसडे 4 to 6। यार मंडे और ट्यूसडे है, क्या जी सर, बताया आपने? यार सब मंडे ऐसा ही मंडे है, एंड ट्यूसडे। देखें ऐसा करते हैं कि कल की क्लास जो है ना हम परसों अगर ले लें, सिर्फ कल के लिए, ठीक है सर, मैं वो आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, मैं आफ्टर क्लास ना मैं आपसे कांटेक्ट लेकिन कर वो ऐसा है लूंगा। कि कल मेरा कराची यूनिवर्सिटी में ना 5 to 6 जाना है, ठीक है,
आप कौन बोल रहे? सर अगर क्लास सर, क्योंकि वो परसों से तो हमारी अपनी 4 to 6 की क्लास अलग से दूसरी सब्जेक्ट की। सर मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, अभी मैं सर से जरा बात कर लूँ आफ्टर क्लास। तो सर अगर क्लास टाइमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाए तो। ठीक है सर, ठीक है, आप अपनी जो सजेशन है मुझे भेज दें, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। आप कौन बोल रहे हैं सर? सर मैं अली बात कर रहा हूँ, फीफा फैसलाबाद से। कौन? सर अली बात कर रहा हूँ, फीफा फैसलाबाद से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वो मेरा बता दीजिएगा। कल के अलावा फिर कोई इशू नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, कल की क्लास हम एनी डे रख सकते हैं। मैं 4 to 6 यानी कि कल को छोड़ के आप जो मेकअप क्लास है ना, वो किसी दिन भी रख सकते हैं, ठीक है? ओके सर, ये बस ये डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या, देखो कंपनी दैट प्रोवाइड्स सेल, देखो ये तो हमने पढ़ा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। देखो ए कंपनी दैट परचेजेस द आइटम्स एंड सेल्स इट इन द सेम कंडीशन विद द सम प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर्स, होलसेल स्टोर्स, मेडिकल स्टोर, जैसे इम्तियाज स्टोर है, ठीक है? वो क्या है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। चीज खरीदी, उस पर प्रॉफिट ऐड कर दिया है, उसमें कोई उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं किया है, सेम आइटम परचेज किया और उसमें प्रॉफिट प्लस किया और सेल कर दिया, उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। कंपनी दैट परचेजेस द आइटम एंड सेल्स इट इन द सेम कंडीशन विद सम प्रॉफिट, यानी कि इस पे ऐड कर दिया मार्कअप, राइट? जिसकी एग्जांपल आपके रिटेल स्टोर्स, होलसेल स्टोर्स हो, मेडिकल स्टोर हो, ठीक है? और दूसरी क्या है, थर्ड किस्म है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है? ए कंपनी दैट परचेजेस रॉ मटेरियल, ये मर्चेंडाइजिंग आइटम्स खरीद रही है, रॉ मटेरियल्स परचेज किए, देन प्रोसेस दीज रॉ मटेरियल्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको मैन्युफैक्चरिंग किया, उसके रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश गुड्स बनाए, बस इनकस डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री और हेड ऑन इट, फाइनली इट प्रोड्यूसेस फिनिश गुड्स, ठीक है? एंड सेल्स इट टू द कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल ऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है, क्लियर? जी जी सर, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। हाँ तो ये फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर इसको इस टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है? अभी किसी की अटेंडेंस वगैरह नहीं लेनी होगी? नहीं सर, वो ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू लगेगी, जितने स्टूडेंट्स होंगे ना वो पोर्टल के थ्रू लॉगिन करके आपकी क्लास में आए हैं, वो जिस तरह ये पोर्टल पे क्लास स्टार्ट क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली इनकी सिस्टम में ना अटेंडेंस मार्क हो जाती है। ठीक है, मुझे वो उसी वो जो ग्रुप बनाया है उसमें मुझे वो इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्या डिसाइड। ओके सर, मैं कर दूंगा। आपने सर अगर नेक्स्ट क्लास में आप इस क्लास के हवाले से कोई सवाल कर सकते हैं जो हमें मतलब पूछना हो। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम यार, क्यों नहीं, स्टूडेंट्स को तो हैव अ राइट, ठीक है? बिल्कुल ये सवाल कर सकते हैं, जो कुछ पढ़ने पढ़ा है इस पे आप कोई भी सवाल कर सकते हो इससे रिलेटेड, ठीक है? कोई इशू नहीं है, हम किस लिए बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू, आप इसमें टेंशन नहीं ले, ठीक है? आपको जो भी क्वेश्चन होगा यू कैन नोट। हाँ सर, वन मोर क्वेश्चन आई हैव सर, हमें जो है प्लीज आप बता सकते हैं कि कौन सी बुक हम फॉलो करें? ये बुक मैं अच्छा, इसमें मैं स्टार्टिंग में सर, जुल्फिकार साहब, मैं अतीक बात कर रहा हूँ इफ़ा इस्लामाबाद से, तो इसमें मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। अच्छा, तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये है कि फर्स्ट तो ये है कि इसमें जो भी हमारे पास सिलेबस होता है उसके लिए हम सीए का जो स्टडी टेक्स्ट है वो रिकमेंड करते हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो इंशाल्लाह हम इसके ग्रुप के अंदर अली आपको शेयर भी कर देंगे। सेकेंड चीज, अगर फर्ज करें कोई क्लास नहीं होती उसके लिए हम मेकअप क्लास रखते हैं, वो नॉर्मली फ्राइडे या सैटरडे को हम रखते हैं, उसके लिए हम ग्रुप में पहले इन्फॉर्म कर देते हैं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास थी। जैसी बात है, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे अगर कोई क्लास मिस भी हो गई है उसको 2 वीक के बाद भी प्लान कर सकते हैं, अभी तो हम क्लास के स्टार्ट के अंदर है, ठीक है जी? आप अभी अगर कल क्लास नहीं होती तो नेक्स्ट क्लास शेड्यूल के मुताबिक होगी, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहिएगा, हर ग्रुप के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी चेंजेस होंगी वो हम खुद उसमें डाल देते हैं। ये फर्स्ट डे था क्योंकि क्लास में अंदर लोग लॉगिन के इश्यूज थे जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्लास आपकी टाइम पे स्टार्ट होगी, 2 आवर्स की क्लास होगी इंशाल्लाह। जुल्फिकार साहब बड़े एक्सपीरियंस हमारे पास फैकल्टी मेंबर हैं, इंशाल्लाह आप हर क्लास के स्टार्ट के अंदर वो खुद भी आपको 5-10 मिनट देंगे जिसके अंदर आप अगर कोई क्लास होगी, कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा तो आप उनके साथ कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि आपके क्वेश्चन भी आंसर देंगे और इंशाल्लाह हम उसमें आपके साथ एग्जाम पैटर्न भी
मतलब शेयर करेंगे जनाब। यस सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन सर बात ये थी कि जैसे सिलेबस हमें ड्यू बिल्कुल हमें शेयर किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है जैसे हम अगर आईकैप गए थे तो उसमें जो ए मॉड्यूल बी मॉड्यूल जो है अलग अलग तरह से उन्होंने किताबें रख दी थी, तो इसलिए मैंने पूछा कि एग्जैक्ट किताब अगर पता चल जाए तो बहुत बेहतर होगा बहुत हमारे लिए। हम बता देता हूँ आपको, मेरा एक सवाल था सर कि ये क्या ये जो मीटिंग आईडी है ये हर टाइम आप हर क्लास में भेजा करेंगे क्या? जी सर, देखिए सर आपको जो है ना जुल्फिकार साहब, आपको तो हम खुद आईडी शेयर करेंगे आपके साथ हर क्लास में, क्योंकि एक ही आईडी के ऊपर तीन चार क्लासेस मुख्तलिफ टाइम पे हो रही होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जब पोर्टल पे जाएगा तो उसको तो ऑटोमेटिकली वो हिडन शो हो जाएगी, लेकिन आपको हम हर क्लास में इंशाल्लाह आईडी दिया करेंगे। अच्छा, ये मीटिंग आईडी हम जनरेट करके स्टूडेंट को इस ग्रुप में सेंड कर देंगे, हम आपको खुद देंगे जैसे क्लास स्टार्ट होने से 10-15 मिनट पहले हम आपको दे देंगे। हर क्लास में डिफरेंट होगी? डिफरेंट हो सकती है सर, अच्छा हो सकती है, सही सही समझ गया। अच्छा सर प्लीज आप बुक के बारे में बता रहे थे सर, ये किताब का पूछ रहे थे तो मैं सिर्फ किताब का बता दूं इनको। अच्छा बुक्स में देखें, जहां तक बात है जो ज्यादातर जो टीचर हमारे पास पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक वाइज बुक को करते हैं। आप सबसे पहले अपने जो स्टडी टेक्स्ट है भाई का जो स्टडी टेक्स्ट है उसको हम रिकमेंड करते हैं, आपके मैक्सिमम टॉपिक उसमें से कवर हो जाएंगे। जहां आप समझते हैं कि जो टॉपिक कवर नहीं कर रहा उसमें क्या एडिशनल मटेरियल हमने आपको सजेस्ट करना है वो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा क्लास को ना, अभी फर्स्ट क्लास है, इसको एक दो क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह ये जो रीडिंग मटेरियल वाला आपका क्वेश्चन है इसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो किताब जो है मैं जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के लिए ना किताब एक बहुत अच्छी है वो मैं रिकमेंड करता हूँ, आप इसको एग्री करें। ठीक है जुल्फिकार साहब, आप हमसे को डिस्कस कर लीजिएगा थ्रू, मैं आपको कॉल भी कर लेंगे, इनको एक रीडिंग मटेरियल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उसकी अगर सॉफ्ट कॉपी होगी तो ग्रुप में भी डाल देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, दैट विल बी रियली हेल्पफुल, थैंक यू।